स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर बताते हैं आपको। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कराई ज्वाइनिंग। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। एके शर्मा पीएम के करीबी भी माने जाते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस यहां पर ज्वाइनिंग कराई जा रही है। पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइनिंग करवाई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एके शर्मा की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है और एके शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइनिंग करवाई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर एके शर्मा की ज्वाइनिंग करवाई गई है और एके शर्मा पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। हाल ही में एके शर्मा ने लिया वीआरएस। पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, पूर्व आईएएस एके शर्मा बीजेपी में शामिल हुए, क्या कुछ असर यूपी की राजनीति में पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि एके शर्मा प्रधानमंत्री के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं। 2001 से उनके साथ में वो लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात कैडर के आईएएस हैं और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया है। इतना ही नहीं, 2014 में से वो पीएमओ में भी काम लगातार कर रहे हैं और उनके पास अभी 2 साल का समय शेष बाकी था। प्रधानमंत्री का एकदम राइट हैंड होना और उनके एकदम करीब होने के बावजूद आईएएस से प्री मैच्योर इस्तीफा देना और वॉलेंट्री रिटायरमेंट देना और उसके बाद में यूपी की पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की। और कहा यह जा रहा है कि अब वो सिर्फ यूपी ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि जो 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, उनमें से एक सीट एके शर्मा यानी कि अरविंद शर्मा के खाते में भी जाएगी। और वो यहीं पर नहीं रुकेंगे, आगे 28 जनवरी के बाद में जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करेंगे, पीएम को रिपोर्ट करेंगे। उनके विषय में जो अब तक बात है कही जा रही है कि वो टाइम बाउंड काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट निकाल करके देते हैं। अब लेकिन सवाल ये होता है कि क्या एक नया कोण बनेगा यहाँ पर? त्रिकोण पहले थे, त्रिकोण का क्या चौथा कोण बनेगा? एक और एक लॉबी बनेगी जो सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे करवट लेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला लिया है। और अब आपको सुनाते हैं के शर्मा का क्या कुछ कहना है। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तो
आपको बता दें यूपी के मऊ जिले के मूल निवासी हैं एके शर्मा, जिन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग की है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला ले लिया है। बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई है और वो काफी पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। इससे यूपी की राजनीति में कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बताते चले, अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम भी किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो अरविंद शर्मा भी उनके साथ पीएमओ आ गए थे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।